बात मीना गुप्ता के साथ के प्रायोजक हैं महिला मंडल पंजाबी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आज की बात मीना गुप्ता के साथ। जी हाँ, आज हम आपको महिला मंडल पंजाबी बाग द्वारा की जा रही कोरोना पीड़ितों के लिए सेवा भावना के चंद ऐसे लम्हों को बताना चाहेंगे, जिसको जानकर महिला मंडल पंजाबी बाग के प्रति सम्मान और मीना गुप्ता जी निस्वार्थ सेवा का परिचय मिलेगा। जिस प्रकार से इस कोरोना काल में महिला मंडल पंजाबी बाग ने अपनी इंसानियत और सेवा की मिसाल कायम की है, उसके लिए MMPV आवाज उनके इस निस्वार्थ कार्य को दर्शकों तक जरूर पहुंचाना चाहता है। जैसे कि हम सभी लोग एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जिससे लड़ना शायद अब हमारी मजबूरी बन चुकी है। डॉक्टर्स अस्पताल में सेवा कर रहे हैं, अस्पताल में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। इन सभी बातों को देखते हुए आज भी कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी संस्थाएं अपने आप को मुश्किल में डालकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। इसी श्रेणी में महिला मंडल पंजाबी बाग ने अपने सेवा कार्यों को, जिससे भोजन की व्यवस्था, मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था आदि हर तरह की व्यवस्था में महिला मंडल सदस्यों के साथ मिलकर इस कोरोना काल में महिला शक्ति का परिचय देते हुए सेवा कार्य करती जा रही है। महिला मंडल
आनंद विहार का एक ग्रुप है, उसने एक संदेश मिला कि कुछ फैमिली है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और उनको मदद की आवश्यकता है, कोविड टेस्ट कर कोविड के सिम्टम्स है और मतलब कहीं तक पहुंच नहीं पा रहे। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड अभिषेक नाम है उनका, अभिषेक तिवारी, वो हॉस्पिटल ग्रुप देखते हैं और मैं भी एक हॉस्पिटल ग्रुप को हेड करती हूँ, तो उसके माध्यम से हमें मेडिकल लाइन का काफी अनुभव है। तो हमने कहीं से बोलकर उनका उनका चार परिवार से चारों परिवार का कोविड टेस्ट कराया, जिसमें तीन परिवार पॉजिटिव निकला। दो परिवार ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में है, एक ऑटो रिक्शा चालक है और उनके पति ऑटो चलाते थे जो अब रहे नहीं कोविड के कारण, तो उनको पता नहीं चला था उस परिवार को कि कोविड हुआ था और इसीलिए सांस सुनने लगी है चल बच्चे। तो उनके महिला का फोन आया रुकने में कि हमें कुछ मदद की आवश्यकता है, तो उनके पूरे परिवार को कोविड निकला, परिवार में चार लोग। हमने मेडिकल टेस्ट करा के दवाई तो भिजवा दी थी, जितना सक्षम था हमने मदद किया, लेकिन फिर हमने ग्रुप में डाला कि उनके क्योंकि उनके पति का सांस फूलने से जान जा चुका था, तो हमें लगा कि इस परिवार को ऑक्सीमीटर थर्मामीटर और नेबुलाइजर जो भाप वाली मशीन है नेबुलाइजर उसकी आवश्यकता है। तो मैंने ग्रुप में डाला, तो जिसमें पूनम जी ने मुझे पर्सनल मैसेज किया, ग्रुप में मैसेज नहीं किया, वो उनकी बहुत बड़ी पर्सनल है क्योंकि लोग ग्रुप में इतने सारे चैट भेजते हैं कि पता नहीं चलता। उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि किस परिवार को आवश्यकता है, मैं जरूर करवाऊँ। मैंने उनको सारे संदेश भेजे कि पूरा परिवार का ट्रेन भेजा, ये आना चाहता है और ये नौजा का है, तो पूरे परिवार का ट्रेन भेजा। पूनम दीदी ने अमित जी से संपर्क किया और अमित जी से संपर्क करने के बाद अमित जी ने मुझे मीना जी नाम था उनका पंजाबी बात से, वो मैडम से संपर्क करवाया। मैडम ने कुछ भी समय नहीं लेते हुए जिस दिन मैंने उनको फोन किया उसी दिन बिना समय लेते हुए उबर से वो कर उनके एड्रेस से मैंने उनके परिवार को आवश्यकता थी उनका एड्रेस दे दिया था। तो वो तीन परिवारों को आवश्यकता थी, लेकिन एट प्रेजेंट उनके पास दो ही किट अवेलेबल थे, तो ऑक्सीमीटर और भाप लेने वाली मशीन और थर्मामीटर तुरंत दोनों परिवार को भिजवाया इमीडिएटली सेम डे। मतलब मुझे लगता है एक डेढ़ घंटे दो घंटे का समय बीता होगा, उनके यहाँ से उनके किसी सहयोगी का फोन आया कि आप एड्रेस भेज दीजिए। मैंने दोनों एड्रेस उनको भेजे जहाँ पर पहुँचाना था, दोनों एड्रेस पे उन्होंने मशीन पहुँचवा दी और मशीन पहुँचने के तुरंत बाद मैंने परिवार को संपर्क किया कि आपके पास मशीन पहुँच गई है तो आप मुझे ऑक्सीमीटर पे अपना ऑक्सीजन लेवल बताइए। तो अब क्या बोला गया, उनका ऑक्सीजन लेवल इतना गिरा हुआ था, वो ऑलरेडी 80 पर था सैचुरेशन लेवल, एसपीओ टू। फिर हमने कोशिश कर उनको एक हॉस्पिटल है यहाँ पर दादरी रोड पर उसमें भर्ती करवाया है। उनके मतलब एक बेटा है, बेटा अभी घर पे ही है क्वारंटीन में, और जो महिला है वो दादरी रोड पे और एडमिटेड है, मतलब ऑक्सीजन लेवल अब थोड़ा सही है, आज ही बात हुई चीजें सही है, एक परिवार घर पर ही दवा से सही हो रहा है, उन लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी सही था। बट इस सिचुएशन में उसमें जल्दी मतलब रिएक्शन लेना और एक्शन लेना, ये सभी लोगों की मदद संभव हो पाया, जिसमें पूनम जी थी, अमित जी थे, मीना जी थी, उनकी सहयोगी थी, सबका बहुत बहुत आभार। और हम यही सबसे प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग ऐसे परिस्थितियों में आगे आए यथासंभव जो भी प्रयास हो सके करें, क्योंकि कठिन परिस्थितियाँ गुजर जाती हैं और फिर लोगों के नाम याद रह जाते हैं और परिस्थितियाँ तो आती जाती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा बनी रहेंगी। बात मीना गुप्ता के साथ के प्रायोजक है महिला मंडल पंजाबी बाग, इंपीरियर वेडिंग, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद।